पलवल के भूपगढ़ में अंबेडकर जयंती के दौरान आतिशबाजी को लेकर झगड़े में ग्रामीणों पर SC ST एक्ट के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। इसको लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक जगदीश नायर से मुलाकात की, जिस पर नायर ने किसी भी निर्दोष को फंसने नहीं देने का भरोसा दिया है। जिसके बाद विधायक जगदीश नायर ने DSP कुलदीप सिंह से मिलकर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। संविधान भवन पर 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती मना रहे थे और खूब धूमधाम के फटाके हर्षोल्लास से मना रहे थे। हमारे पड़ोसी हैं सुरेंद्र जी, जाट बरादरी से हैं, उन पटाखों से उनके घर में आग लग गई। उन्होंने उनसे मना किया कि पटाखे वगैरह मत चलाओ, फसल खड़ी है चारों, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने ठहाके लगाने शुरू कर दिए, हंसी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और दोबारा जब सुरेंद्र मना करने गया तो उस पर हमला बोल दिया और अपनी अम्बेडकर की मूर्ति वूर्ति तोड़ दी और हरिजन एक्ट लगा दिया। पुलिस से जो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती थी, मैं अपने घर पे था तो हमारे जो हरिजन भाई है वो बम पटाखे चला के DJ से मना रहे थे, तो उन्होंने बम चलाए तो फसल का टाइम है, पड़ोस में हमारे चौधरी साहब का घर था, बम से उनके वहाँ पे आँच लगी थी। वो बताने के लिए गए वहाँ पे तो उन्होंने बोला कि हम ऐसे ही चलाएंगे, तो इनसे उल्टा अपशब्द बोले हैं। और फिर उसके बाद 16 तारीख को उनने खुद तस्वीर तोड़ी है और एप्लीकेशन दी उन्होंने जाके बाबा साहब की तस्वीर तोड़ी, बाबा साहब की तस्वीर तोड़ के उन्होंने खुद एप्लीकेशन दी कि ये कही है वो हम पे कोई कार्रवाई नहीं करते, इससे पहले हम इन पे अपना मुकदमा दर्ज कर दें। इनके खेतों में आँच लग गई, घरों में आँच लग गई, कोई झूठ बोले चल रहे थे, इन्होंने उनसे मने किया, मना करने के बावजूद वो दोनों चलते रहे। ये अपने अनाज की भरपाई करने के लिए थाने में एप्लीकेशन दे आए, इनकी एप्लीकेशन दर्ज ना होके इन पर उल्टा SC Act लगा दिया गया। झूठा ड्रामा बना के बाबा साहब की तस्वीरों को तोड़ के उन्होंने स्वयं, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं भी हरिजन, उन्होंने स्वयं ड्रामा बनाया और इनको सबको फंसाना चाहते, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। अभियोग में तस्दीक नहीं हुई है, इसमें वेरीफाई करेंगे। अगर एक्चुअल में स्वर्ण पक्ष ने इनके साथ बदतमीजी की है तो अरेस्ट किया जाएगा, अगर मुदई पक्ष इसमें झूठ बोल रहे हैं तो उसको कैंसिल किया।